दिन में लाखों की वन संपदा को निगल चुकी है सांगड़ा की 3 पंचायतों में लगी आग। 3 पालतू पशुओं तथा 4 किसानों की खेतों की फसल को भी स्वाहा कर चुकी है जंगल की आग। उपमंडल सांगड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शिवपुर पाउनल तथा भाटन भुजौंड में लगी आग पिछले 2 दिनों में लाखों की वन संपदा को नष्ट कर चुकी है। आगजनी के दौरान जहां शिवपुर के एक ग्रामीण के 3 पालतू बैल जिंदा जल चुके हैं, वहीं पाउनल गांव में 4 किसानों की गेहूं की फसल को भी आग जलाकर राख कर चुकी है। इन दोनों पंचायतों में लगी आग हालांकि बुझ चुकी है, मगर भाटन भुजौंड पंचायत में लगी आग आज गुरुवार को तीसरे दिन भी नहीं बुझाई जा सकी। गौरतलब है कि उपमंडल सांगड़ा में कहीं भी फायर स्टेशन अथवा चौकी न होने के चलते लोगों को आगजनी के दौरान जोखिम उठाकर खुद ही अपनी जान माल की रक्षा करनी पड़ती है। क्षेत्रवासियों की मांग तथा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की सिफारिश के बाद हालांकि दमकल विभाग द्वारा एसडीएम सांगड़ा से यहां फायर स्टेशन खोलने संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है, मगर इस रिपोर्ट पर अभी आगामी कार्यवाही होना शेष है। एसडीएम सांगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी के अनुसार उन्हें शिवपुर तथा बाउनल पंचायत में आगजनी से हुई नुकसान की सूचना संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से मिल चुकी है। संगड़ा में आज बैंक तथा एटीएम बंद रहने से क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ी परेशानी। बस अड्डा बाजार में मौजूद यूको बैंक एटीएम साल भर से तो कोऑपरेटिव बैंक एटीएम 2 माह से पड़ी है बंद। उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में आज बैंक बंद रहने तथा बस अड्डा बाजार में मौजूद दोनों एटीएम मशीनें बंद होने के चलते क्षेत्रवासियों खाताधारकों तथा यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के चलते जहां दूसरे दिन आज 1 अप्रैल को तीनों बैंक नियमानुसार बंद रहे, वहीं एटीएम मशीनें बंद होने के चलते लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सके। बस अड्डा बाजार में मौजूद यूको बैंक एटीएम जहां 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी है, वहीं कोऑपरेटिव बैंक की एटीएम मशीन भी 2 माह से बंद पड़ी है। संगड़ाहा में हुए 29 कोविड सैंपल में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव। अंधेरी पंचायत की रहने वाली है 60 वर्षीय पॉजिटिव महिला। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में आज हुए कुल 29 कोविड सैंपल में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाई गई 60 वर्षीय महिला क्षेत्र की अंधेरी पंचायत की रहने वाली है तथा संगड़ाहा में इनका सैंपल हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पूर्व गत माह क्षेत्र के गांव मोतू तथा उंगरकांडू से भी 1-1 शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण जारी होने के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी आए दिन बिना मास्क के लोग नजर आ जाते हैं। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में आज 349 लोगों को लगाई गई कोविड वैक्सीन। क्षेत्र में 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में आज कुल 349 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य खंड के अंधेरी बड़ौल तथा गत्ताधार में मौजूद स्वास्थ्य संस्थानों में आज टीकाकरण हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक आज से क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। मेडिकल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली तीनों सीएससी में जहां मंगलवार तथा शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी लोगों की सुविधा के मुताबिक अलग अलग दिन सेशन निर्धारित किया जा रहा है।
कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि आज कुल 349 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब तक किसी भी शख्स को कोविड वैक्सीन का रिएक्शन नहीं हुआ है।